वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है 800 स्क्वायर फीट में आपको छत ढलाई करवाने में कितना खर्च आएगा, आपको कितना मटेरियल लगेगा और कितना आपको खर्च आएगा, तो उसी का वीडियो है। और 800 स्क्वायर फीट का रूफ कारपेट एरिया, ठीक है। और हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं छत का, वो रूफ कारपेट एरिया से करते हैं। तो 800 स्क्वायर फीट अगर आपका छत है तो आपको कितना उसमें सीमेंट लगेगा और कितना आपको सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा और आपको कितना स्टील लगेगा, ये सारा इस वीडियो में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि 800 स्क्वायर फीट का भी अपलोड किया जाए, ठीक है। तो आज का वही वीडियो है, ठीक है। और जो इसमें इस वीडियो में जो अभी रेट चल रहा है करंट, उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है। जो अभी सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, सैंड का क्या रेट चल रहा है, ये एग्रीगेट का क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा आपको कि क्या रेट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 800 स्क्वायर फीट हमको क्या खर्च आएगा, ठीक है। सो सीमेंट आपको लगेगा यहाँ पे 80 बैग आपको सीमेंट लग जाएगा, ठीक है, 80 बैग सीमेंट। और जो सीमेंट का रेट चल रहा है अभी वो 400 के आसपास चल रहा है पर बैग। तो 400 सब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 32,000 का आपका सीमेंट लग जाएगा, ठीक है, टोटल, ठीक है। 80 बैग आपको सीमेंट लग जाएगा 800 स्क्वायर फीट छत लाइम करवाने में। तो रेट जो चल रहा है अभी 400 के आसपास चल रहा है तो आपको 32,000 का सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सैंड कितना लगेगा। तो सैंड आपको लग जाएगा 240 CFT, ठीक है। और जो इसका रेट चल रहा है अभी 70-80 रुपये पर CFT चल रहा है। तो 16,000 का आपको पड़ जाएगा, 16,800 का आपको पड़ेगा सैंड लग जाएगा, ठीक है, टोटल। अगर 70 रुपये से आप जोड़ते हैं तो 16,800 का लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे गिट्टी का देख लेते हैं। तो गिट्टी आपको लग जाएगा 400 CFT आपको गिट्टी लग जाएगा, ठीक है, 400 CFT। और जो रेट चल रहा है यहाँ पटना में अभी 120 से 130 रुपये पर CFT चल रहा है। तो 400 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 400 × 120, तो आपको 48,000 का आपका गिट्टी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे हम लोग स्टील कितना लगेगा। तो स्टील जो लगेगा वो आपको लग जाएगा 960 kg, ठीक है, 960 kg। इन अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं 1,000 तक kg आपको लग जाएगा टोटल। और इसका 60% आपको लग जाएगा 10 mm, और इसका 40% लगेगा आपको 8 mm, ठीक है। और जो रेट चल रहा है अभी स्टील का, तो स्टील का यहाँ पे चल रहा है 70 रुपये पर kg, ठीक है। तो 70 × आप 960 कर या 1,000 करते हैं आप, तो अप्रॉक्स में आपको 70,000 का स्टील लग जाएगा टोटल, ठीक है। तो स्टील का ये बात हो गया और ये गिट्टी का बात हुआ 48,000। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सीमेंट आपको लग रहा था 32,000 का, ठीक है, इसमें 80 बैग टोटल सीमेंट है तो 400 के आसपास है, तो आपको 800 × 32 यानी 32,000 का आपका सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। उसको देखिए सैंड आपको लग जाएगा 240 CFT और रेट अभी चल रहा है 70-80, तो यानी 16,800 का आपका सैंड लग जाएगा, ठीक है। गिट्टी आपको लग जाएगा 400 CFT और 120-130 रुपीज पर CFT चल रहा है अभी रेट, तो आपको 48,000 का गिट्टी लग जाएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टील आपको लग जाएगा 960 kg, नहीं अप्रॉक्स में आप 1,000 kg रख सकते हैं। तो 1,000 का मल्टीप्लाई करते हैं 70 रुपये पर kg से, तो आपको 70,000 का स्टील लग जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन था 800 स्क्वायर फीट का। और वीडियो अच्छा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।